खबर गया से है, जहां बाराचट्टी प्रखंड के बजरकर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों ने क्षेत्रीय विधायक ज्योति देवी के समक्ष मुखिया पति विनोद मांझी पर, पंचायत समिति सदस्य पति उपेंद्र प्रजापति पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 से 15 हजार रुपए इंदिरा आवास बनाने के नाम पर दिया गया है। पंचायत समिति पति प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को भय दिखाकर अगर पैसा नहीं देंगे तो इंदिरा आवास नहीं होगा, भय की साए में आकर इंदिरा आवास लाभुकों ने 10 से 15 हजार रुपए पर आवास दिया। वार्ड नंबर 3 वार्ड सदस्य के पति मंतगु चौधरी ने विधायक ज्योति देवी के सामने सैकड़ों ग्रामीणों के समक्ष कहा कि घोड़सारी गांव वार्ड नंबर 3 में तकरीबन 40 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है और सभी से मुखिया पति और पंचायत समिति पति के द्वारा 15 से 19 हजार रुपए पर आवास वसूली गई है। यहां तक सामने आ रहा है कि दूसरी किस्त के फोटो खींचने के नाम पर सहायक संतोष कुमार लाभुकों से 2000 प्रत्येक आवास लिया है, उसके बाद ही फोटो खींचा। और जहां तक की सच्चाई बात वार्ड सदस्य प्रतिनिधि के द्वारा आ रही है कि एक आवास को दूसरी तीसरी और चौथे व्यक्ति के द्वारा फोटो खिंचवाकर पैसा निकाल लिया गया है, यह भी अस्पष्ट है। पत्रकारों से बात करते हुए आवास लाभुकों अपने बातों को रखा और उन्होंने आवास में दिए गए नाजायज नजराना उजागर किया। इंदिरा आवास में कमीशन की बात आ रही है। आज सारी 3 नंबर वार्ड में पंचायत गजरकर में विधायिका ज्योति देवी, हम भी उसके साथ में थे, लेकिन इंदिरा आवास प्रधानमंत्री इंदिरा आवास में बिचौलियों द्वारा 10 से 15 हजार रुपया दिया रहा है। तो जनता सामने हमारे सामने बोला जब प्रधानमंत्री योजना में हमें जब 10 हजार 15 हजार रुपया दे दिया जाएगा तो इंदिरा आवास कैसे बनेगा, सबसे गलत है कि नहीं। मुखिया द्वारा ले जाए तो गुजरकर पंचायत के विनोद मांझी और केंद्र प्रसाद द्वारा प्रजापति द्वारा लिया जा रहा है। ये है वो पंचायत समिति सदस्य की गलत बात है। प्रधानमंत्री योजना में अगर ऐसा पैसा दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि ऐसा इंदिरा आवास नहीं बनेगा और बिचौलिया का है कार्रवाई होनी चाहिए और आंधी को रोका जाए। मेरा नाम हिमराज प्रसाद वर्मा। इंदिरा आवास मिल लो है? हाँ। कितना पैसा मिला? 40,000 मिला था। 40,000 की 45,000? 45,000 दस हजार ले लिए। के ले लिए? उपेंद्र। कौन है कौन है उपेंद्र प्रजापत? कहाँ के है? समिति है, पंचायत समिति है। अच्छा, फिर अगला किस्त? अगला किस्त अभी नहीं। चाहे कितना पर होगा? 40,000 वही तय हुआ था। 40,000 एक कॉलोनी पर 40,000 रुपया? हाँ, दो कॉलोनी। एक किस मिला? एक किस मिला तो 20,000 दोनों पर मिलते हैं। 20,000 लेल को ना? एक कॉलोनी पर 20,000? कॉलोनी पर 20,000 लेल को 10,000 तो दो कॉलोनी हो तो 20,000 लेल को ना? एक 10,000 कितना? 15,000। 45,000 में? अब फिर काम लगा रहे हैं? कितना काम हुआ है? हमको ढला गया। ढला गया? दूसरा किसने मिला? कहाँ नाम होला तो? मनोज। किसका नाम से कॉल नहीं मिल रहा है? पत्नी के नाम से मिला? क्या नाम से मिल रहा है? पत्नी का क्या नाम है? नाम कहाँ का हुआ? सॉरी। चला इंदिरा आवास मिल रहा है? 40,000 मिला, 10,000 ले लिया। के लिए? वही उपेंद्र। कौन उपेंद्र? हाँ, वही कोलिया। 1,000 विश्वास ही करिए, कितना पैसा लेते हैं? का बोल के लिए दौड़ा झुकते हैं? दौड़ा झुकते हैं। सहायक कितना ले लो? सहायक कामों ने पार्ट में हम हैं मतंगू चौधरी सुहागी देवी, ठीक है। और क्या इसलिए कि उपेंद्र और मुखिया
दोनों मिल के ही 15,000 रुपए कोलनी तसला कहूँ सुनाई सौ रुपए तसला और फोटो भी दोबारा पैसा जब डलावे के बारे आया कहे कि फोटो दे तो जे नहीं उठाया सेरो नहीं उठाया तो ओकर में ओकरा फोटो ले लिया ओकरा में ओकरा फोटो ले लिया फोटो कौन और लेके सहायक 2,000 रुपए कोलनी 5,000 रुपए कोलनी दूसरा का कोलनी दिखा करके हाँ पैसा खिंचा गया और पैसा निकाल भी गया और हम पूछ रहे हैं बाद में होके कि कितना पैसा बना है कि नहीं बना है कोलनी ये होना चाहिए ये कुछ नहीं लोग करवाया कुछ नहीं करवाया सहायक के कुछ नाम हो सहायक लिया 2,000 रुपए कोलनी 2,000 कोलनी का नाम है सहायक के संतोष मोहल्लवा हम पढ़ा लिखल काम संतोष अब पैसा डालेंगे अब ऐसे पैसा नहीं डालेगा ठीक सामने बुलाएंगे पैसा संतोष ठीक